हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो न्यूज़ है वो न्यूज़ सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ है और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन अब थोड़े से मुश्किल हैं, शायद ना ही हो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन, ऐसी न्यूज़ आ रही है। ऐसी दो न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो दोनों न्यूज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक आप लोग ज़रूर देखें। सबसे पहली बात देखिए, आर्टिकल जो है वो आज आर्टिकल 17 ऑफ द जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ, जिसमें है मनीष सिसोदिया आस्क एचआरडी मिनिस्टर टू कैंसिल द सीबीएसई एग्जामिनेशन। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर को यहाँ पर लेटर लिखा है कि आप जो बचे हुए सीबीएसई के एग्जामिनेशन हैं जिनको आप 1 से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराने वाले हैं, उनको कैंसिल कर देना चाहिए। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल थी, उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को सजेशन दिया कि वो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को पास करने के ऊपर विचार करें और ट्यूसडे तक कोर्ट को आंसर दें। ये दूसरी न्यूज़ थी। ये दोनों ऑफिशियल न्यूज़ हैं, अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ फेक नहीं है। मीन्स यहाँ पे बात ये आ रही है कि अब सीबीएसई के पास मोस्टली 99% चांसेस हैं, और जैसे कि 25 ऑफ द जून तक एचआरडी मिनिस्टर कन्फर्म करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। दिल्ली में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको नहीं लगता किसी को भी कि दिल्ली में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाएंगे, इसीलिए एचआरडी मिनिस्टर को यहाँ पे लेटर लिखा गया है। पूरा आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ से देखिए। इन अ लेटर रिटन टू द पोखरियाल ऑन वेडनेसडे, सिसोदिया हैज़ एक्सप्लेन हाउ इट बी इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट स्कूल टू होल्ड द एग्जामिनेशन एज दे आर बींग यूज फॉर सेवरल पर्पस। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को ही यहाँ पे कोविड के जो आइसोलेशन सेंटर हैं वहाँ पे बनाया गया, वहाँ पे जो जिनको कोविड के लिए हैं उनको, जो बाहर से आ रहे हैं जो माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ आइसोलेट करने के लिए रखा जा रहा है। अब ऐसे में एग्जामिनेशन डेट्स आ गई हैं और अभी कुछ गवर्नमेंट स्कूल को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट के लिए, तो यहाँ पे मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि ऐसे कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं। केवल दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए अपोज कर चुकी है और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन थे, स्टेट बोर्ड के जो एग्जामिनेशन थे क्लास 10th के हों या 12th के, उनको कैंसिल करके उनको इंटरनल असेसमेंट बेसिस के मार्क्स पे दे चुकी है। जैसे कि आपने देखा तमिलनाडु में तेलंगाना में क्लास 10th के एग्जामिनेशन यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए, इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। तो ये जो लेटर लिखा है, उस लेटर के साथ, ये लेटर तब लिखा गया है जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस था, पेरेंट्स ने केस किया हुआ था। तो यहाँ पे 90% चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं स्टूडेंट्स कि अब आपके पेपर जो हैं वो मुश्किल ही हैं कि यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, शायद पेपर बिल्कुल होने के चांसेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग में एचआरडी मिनिस्टर क्या रिप्लाई देंगे, एचआरडी मिनिस्टर 2 दिन से रेगुलरली यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं सीबीएसई के सेक्रेटरी के साथ, एनटीए के डायरेक्टर के साथ, और आपके एचआरडी मिनिस्टर की जो टीम है पूरी, वो सब लोग मीटिंग कर रही है डेली कि 25 जून तक यहाँ पे हमको बताना है और सभी स्टेट से बात करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन होने या नहीं होने। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि एग्जामिनेशन होने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। इसके रिगार्डिंग फर्दर भी जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पे आपको सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और मेडिकल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।